हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स रेडिएशन। हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 6.5, उसका क्वेश्चन नंबर 4। प्रूव दैट द फॉलोइंग फंक्शंस डू नॉट हैव मैक्सिमा और मिनिमा, राइट। तो ये थोड़े अलग टाइप के क्वेश्चन है, हम देखते जाएंगे। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू हमें गिवन है ई टू द पावर एक्स। अब हम जानते हैं कि दिस इज द एक्सपोनेंशियल फंक्शन, राइट। सपोज़ मैं एफ डैश एक्स फाइंड करूँ तो इसका वो हम मुझे क्या मिलेगा, ई रेज टू एक्स। अब अगर मैं इक्वेट करता हूँ क्रिटिकल पॉइंट के लिए तो मुझे यहाँ पे मिल जाएगा ई टू द पावर एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। अब सोच लो, कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो कभी भी ज़ीरो नहीं बनेगा, राइट। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि सिंस एक्सपोनेंशियल फंक्शन डज नॉट बिकम ज़ीरो फॉर एनी एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स की कोई भी वैल्यू के लिए ये ज़ीरो नहीं बनेगा, राइट। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि इसका कोई क्रिटिकल पॉइंट ही नहीं है। मतलब कि कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं है तो ये फंक्शन, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो फंक्शन है वो ऑलवेज़ क्या होगा, ग्रेटर देन ज़ीरो। मतलब कि हमारा एफ डैश एक्स जो है ना वो ऑलवेज़ ग्रेटर देन ज़ीरो है। ऑलवेज़ ग्रेटर देन ज़ीरो है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, और जो भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है उसके लिए मैक्सिमा मिनिमा फाइंड करना पॉसिबल नहीं है, राइट। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि देयर डज नॉट एक्सिस्ट एनी सी फॉर विच एफ डैश सी इज इक्वल टू ज़ीरो। ये ज़ीरो बने ऐसा कोई भी एक पॉइंट एक्स की वैल्यू हमें नहीं मिलेगी। सो दैट्स वाई ई टू द पावर एक्स डज नॉट हैव मैक्सिमा और मिनिमा, राइट। याद रखना कि कोई भी जो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होता है उसके लिए मैक्सिमा और मिनिमा नहीं मिलेगा, याद रखना ये चीज़, राइट। e टू द पावर एक्स जो है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, आपको पता है, ओके। दूसरा फंक्शन वैसा ही है, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू हमें दिया है लॉग एक्स। अब यहाँ पे देख लेना कि नहीं बोला है फिर भी हम जानते हैं कि दिस इज ओनली डिफाइंड फॉर एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो, राइट। तो जी डैश एक्स इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, वन अपॉन एक्स। अब सोचो कि अगर मैं जी डैश एक्स इज इक्वल टू क्या करूँ, इज इक्वल टू ज़ीरो करूँ मैं, तो यहाँ से वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो हो जाता। बट हमें पता है कि विच इज़ नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं पॉसिबल है, क्योंकि आपको क्या बोला गया है कि एक्स क्या है आपका, ऑलवेज़ ग्रेटर देन ज़ीरो है। तो ऑलवेज़ ग्रेटर देन ज़ीरो है अगर, तो इसका मतलब ये होगा कि वन अपन एक्स की वैल्यू भी ऑलवेज ग्रेटर देन ज़ीरो हो जाएगी, विच इज़ नॉट पॉसिबल एज एक्स इज डिफाइंड ओनली फॉर एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो। दैट्स वाई वन अपन एक्स इज ऑल्सो ग्रेटर देन ज़ीरो। समझ में आ रहा होगा आपको, ये कभी ज़ीरो नहीं बनेगा क्योंकि ये हमारा जो फंक्शन है वो एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो के लिए पॉसिबल डिफाइंड है। तो जो भी यहाँ पे वैल्यू डालोगे वन अपॉन में, राइट, वो ग्रेटर देन ज़ीरो होगी, तो वन अपॉन वाली पूरी वैल्यू जो है वो भी ग्रेटर देन ज़ीरो बनेगी, कभी ज़ीरो नहीं बनेगी। सो ये भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन हुआ, दैट्स वाई देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी सी फॉर विच एफ ऑफ सी एफ डैश सी बिकम्स ज़ीरो। दैट्स वाई लॉग एक्स डज नॉट हैव मिनिमा एंड मैक्सिमा, क्लियर। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है थर्ड नंबर का, वो आपको मैं होमवर्क में दे रहा हूँ, आपके लिए छोड़ रहा हूँ। बस ये अलग टाइप के क्वेश्चन हैं थोड़े जो हमने डिस्कस कर लिए, तो यहाँ तक रखते हैं। थैंक यू। तो गाइज थैंक यू।